हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। आज दी वीडियो में आप डिस्कस करांगे जी पाइथागोरस थ्योरम नू। बहुत सारे स्टूडेंट्स वालों डिमांड्स आ रही सन कि इस थ्योरम नू जरूर करवाया जाए, तो अज तुहाडी डिमांड्स ते लैके आए हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। बाकी जिवें जिवें जिस भी सबजैक्ट नाल रिलेटड तुहाडे वालों डिमांड्स आउणगीआं, असीं उह टॉपिक्स तुहानू जरूर करवावांगे। तो इस तों इलावा असीं तुहानूं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे एग्जाम नाल रिलेटड सारियां अपडेट्स प्रोवाइड करांगे। तुसीं वी सानूं कमेंट करके जरूर दसो जी तुसीं कीहड़ी क्लास दे पेपर देने हन, जां तुहानूं जिस भी सबजैक्ट नाल रिलेटड नोट्स चाहीदे हन तां सानूं कमेंट करके जरूर दसो जी, असीं उस टॉपिक ते नोट्स तुहानूं प्रोवाइड कर देवांगे। शुरू करदे हां जी अज दी थ्योरम। जिवें कि तुहानूं पता ही है बोर्ड एग्जाम दे विच थ्योरम नाल रिलेटड क्वेश्चन जरूर आउंदे हन, तो इस तरह तुसीं थ्योरम दे टॉपिक नूं चंगी तरह करके अपने 6 नंबर पक्के कर सकते हो। जेकर तुसीं थ्योरम दे विचों पूरे नंबर लैना चाहुंदे हो तां तुहानूं थ्योरम नूं पूरे स्टैप वाइज कंप्लीट करना पवेगा। जेकर तुसीं पूरे स्टैप वाइज थ्योरम नूं कंप्लीट करोगे तां तुहानूं पूरे नंबर मिल जाएंगे। अज दी वीडियो विच आपां पाइथागोरस थ्योरम नूं पूरे स्टैप वाइज सॉल्व करांगे, तो इन्हां सारे स्टैप्स नूं असीं तुहानूं बिल्कुल आसान भाषा दे विच समझावांगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है प्रमेय 6.8, ये एग्जाम दे विच पुछा जाएगा एक समकोण त्रिभुज विच करण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है, ते नाल लिखा आ सकदा है सिद्ध करो। इस दे विच आपां त्रिभुज नूं बना लैंदे हां जी। ए है जी त्रिभुज ए बी सी, जिस दे विच जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज नूं आपां इस तरह भी बना सकते हाँ, 90 डिग्री इत्थे लै सकते हाँ, पर ज़्यादातर जो प्रैफर की जाती है वह ए वाली त्रिभुज ही है। बाकी एग्जाम दे विच ज़्यादातर त्रिभुज बनी ही आउंदी है, तो ज़्यादातर इस त्रिभुज नूं प्रैफर किया जाता है। आओ जी आपां इस थ्योरम नूं सॉल्व कर लई जो सारे इंपॉर्टेंट स्टैप्स हैं वह देख लेंदे हाँ। सब तो पहला लिखना है जी जो सिद्ध करना है, सिद्ध आप इत्थे करना है जी ए सी दी टू इक्वल टू ए बी दी टू प्लस बी सी दी टू, ये आप सिद्ध करना है जी। नैक्सट है जी अपनी रचना, जो आप रचना करनी है वो है जी आप एक बी डी लंब खिंचना है ए सी भुजा ते, बी डी लंब ए सी, पूरे नंबर लैन लिए आप एग्जामीनर नूं पूरा दसना है जी बी डी लंब खिंचा है ए सी ते। इस तरह तुसी पूरे स्टैप्स लिखने हैं। उस तो बाद नैक्सट आ गया जी सबूत, जो सबूत हैं जी उस दे विच ट्राइंगल लैना है ए बी सी, जो अपना ए वाला पूरा वड्डा त्रिभुज है ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज नूं लैना है, और जो आप दूसरा त्रिभुज लैना है वह आप छोटा त्रिभुज लैना है ए बी डी, ए बी डी ये छोटे वाला त्रिभुज आप लैना है जी, त्रिभुज ए बी डी, एक पूरा वड्डा त्रिभुज लिया है जी एक छोटे वाला। डायग्राम च असीं तुहानूं दोबारा तो दिखा दिंदे हां जी, एक तां आप आ वाला वड्डा त्रिभुज लिया है ए बी सी, एक आपां छोटा त्रिभुज लिया है ए बी डी, वड्डा त्रिभुज एक आ वाला छोटा त्रिभुज। इन्हां दोहां त्रिभुज दे विच जो एंगल ए है, जिवें कि इस दे विच जो एंगल ए है इस दे विच जो एंगल ए है, ये एंगल ए इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच आ रहा है। दोहां त्रिभुजां दे विच जो एंगल ए है ये कॉमन एंगल है जी, पंजाबी दे विच लिखांगे सांझा। उस तो बाद एंगल ए बी सी जो वड्डी त्रिभुज दे विच है, वड्डी त्रिभुज दे विच जो एंगल है ए बी सी ये 90 डिग्री है जी, ये वड्डे वाले त्रिभुज दे विच ए बी सी दे विच बी एंगल 90 डिग्री है। तो जो छोटी त्रिभुज है ये ए डी बी जो डी एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, छोटी त्रिभुज दे विच एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है।
आप इतने ब्रैकेट के लिखा 90 डिग्री। कलर आप चेंज कर दें जी, इतों निकल के आएगा जो ट्राइंगल ए बी सी है, यह समरूप है जी ट्राइंगल ए बी डी दे। जो आप दो ट्राइंगल लए सन ये दोनों आपस में समरूप हैं। हुण आप समरूपता दे रूल के अकॉर्डिंग इन्हां दी भुजावां नूं बराबर करांगे। इत्थे भुजावां लैण दे विच स्टूडेंट्स नूं कन्फ्यूजन आउंदी है जी, वह कन्फ्यूजन असीं तुहाडी दूर कर दिंदे हां। जदों भी तुसीं भुजावां लैणियां हन तां तुसीं दोनों त्रिभुजां दे विच जो भुजावां बराबर हो रहियां हन वह लैणियां हन। जिवें कि आपां भुजा लवांगे ए डी, जदों आपां ए डी भुजा लई तां इत्थे ए ते एंगल बन रहा है ते डी ते 90 डिग्री बन रहा है। इसके समरूप जो आप वे वाले ट्राइंगल के भुजा लवेंगे तो आप भुजा ए बी लवेंगे जी, बराबर भुजा लवेंगे ए बी। ए बी आप क्यों लई, क्योंकि इतने देखो जी ए ते एंगल बन रहा है तो जो बी है इतने 90 बन रहा है। जिमें कि ए डी दे विच कौन बन रहा है ए ते ते डी ते, उवें इतने ए ते बी ते कौन बन रहा है, इन्हां नूं बराबर लै लेना है। फिर आप लवेंगे जी ए बी, तो ए बी इतने करना है जी छोटी वाली ट्राइंगल के, तो जो वड्डे वाली ट्राइंगल है इस दे विच जो कर्ण है वह है ए सी। वड्डे वाली ट्राइंगल दे विचों लवांगे ए सी, छोटी वाली ट्राइंगल दे विचों ए बी कर्ण है, वड्डी वाली दे विचों ए सी। छोटी वाली ट्राइंगल दे विच ए डी आधार सी, वड्डी वाली ट्राइंगल दे विच ए बी आधार सी। हुण आपां इस नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे जी, ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी नाल, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी नाल, ये बन जाएगा ए बी स्केयर। यह होगी जी अपनी समीकरण एक। हुण आपां दूसरी छोटी वाली त्रिभुज लैके दूसरी समीकरण कढ़दे हां जी। बस तुसीं जो ध्यान रखना है तुसीं ये सारे स्टैप पेपर दे विच साफ साफ लिखने हन ते किसी भी स्टैप नूं मिस नहीं करना। जिवें कि पहली समीकरण बनाउण लई आपां ए वाली छोटी त्रिभुज लई सी ते एक वड्डी त्रिभुज लई सी। हुण अपनी वड्डी त्रिभुज तां उसे तरह रहेगी ते आपां ए वाली छोटी त्रिभुज लवांगे बी डी सी। तो चलो जी आपां इह त्रिभुजां लैने आ जी, आ तां अपनी वड्डी वाली त्रिभुज होगी ए बी सी, ते जो छोटी त्रिभुज लैनी है वह है जी बी डी सी। ए वाला कलर नाल ही मैच हो रहा है, चलो आपां इस नूं ब्लू कलर च लै लैने आ जी। छोटे वाली त्रिभुज जो है वह है अपनी जी बी डी सी, ए वाली छोटे वाली त्रिभुज। एक अपनी वड्डी त्रिभुज है तो एक अपनी छोटी वाली त्रिभुज है, इन्हां नूं आपां लिख लैने हां जी त्रिभुज ए बी सी अते त्रिभुज बी डी सी। इन्हां दे विच देखांगे आ वड्डी वाली त्रिभुज ते छोटी वाली त्रिभुज, इस दे विच एंगल सी जो है, एंगल जो सी है वह कॉमन है जी, सांझा एंगल है जी। तुसीं देख सकते हो सी वड्डी त्रिभुज दे विच भी आ रहा, छोटी दे विच भी आ रहा, ये सांझा है जी। उस तो बाद अपना एंगल है जी एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जी ए बी सी वड्डी वाली त्रिभुज चो ये 90 डिग्री है जी, तो जो छोटी वाली त्रिभुज चो लेना जी ये है बी डी सी, ये भी 90 डिग्री है जी बी डी सी, जो छोटी त्रिभुज चो है बी डी सी 90 डिग्री। तो ये एंगल हैं जी 90 डिग्री। इतों निकल के आएगा जी जो दोने त्रिभुज हैं ए बी सी ते त्रिभुज बी डी सी, ये आपस में समरूप हैं। समरूपता लई जो आप प्रॉपर्टी यूज की है जी वह है ए ए प्रॉपर्टी, इत्थे भी आएगी जी ए ए प्रॉपर्टी आप लिखनी है एंगल एंगल, क्योंकि दो एंगल सेम हुए ने, इत्थे भी आप लिखांगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी। हुण आप समरूपता के रूल के अकॉर्डिंग इन्हां दीआं भुजावां नूं बराबर कर लवेंगे जी। डी सी डिवाइडड बाय बी सी इक्वल टू बी सी डिवाइडड बाय ए सी। इन्हां नूं बराबर करन दा तरीका यही है जी, इत्थे छोटी त्रिभुज देखो जी डी ते 90 डिग्री बन रहा है तो सी ते कौन बन रहा है, डी सी लै लिया। इत्थे बी ते 90 बन रहा है तो सी ते दूसरा कौन बन रहा है, बी सी लै लिया। फिर आप छोटी वाली त्रिभुज के विचों जो 90 डिग्री के बराबर भुजा है वह लै ली छोटी वाली त्रिभुज के विचों, तो वड्डी वाली त्रिभुज के विचों जो 90 डिग्री के बराबर है वह भुजा है ए सी, वह भुजा लै ली जी।
हुण आपां इस नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे जी, डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी जो कि बन जाएगा बी सी स्केयर। ये अपनी होगी जी समीकरण नंबर दो। फिर आप पूरी स्टेटमेंट लिखांगे जी, समीकरण एक अते समीकरण दो नूं जोड़न ते आप इन्हां दा जोड़ करना है जी। कलर आप चेंज कर लैने जी, तो आप समीकरण ए दे विचों लैफ्ट साइड लैनी है जी, खब्बा पासा ए डी गुणा ए सी, फिर प्लस करांगे जी समीकरण दो दे विचों खब्बा पासा डी सी गुणा ए सी बराबर समीकरण एक दे विचों सज्जा पासा ए बी स्केयर, समीकरण दो दे विचों राइट हैंड बी सी स्केयर। इतों आप ए सी कॉमन ले लेंगे जी, तो जो अंदर बचेगा वह है जी ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो आप इतने देख सकते हैं जी, जो ए डी ते डी सी हैं आ रहा जी ए डी, इदू आ रहा जी डी सी, तो ये सारी भुजा बनती है जी ए सी। तो आप इतने लिख देवे जी ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो आप इतने मैनशन भी कर देवे जी ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी होंगे जी, क्योंकि इतने अपनी ए डी ते डी सी ए सी भुजा बन रहे हैं। तो इतों अपना निकल के आएगा जी ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो यह समीकरण होगी जी अपनी प्रूवड, जो तुम पंजाबी विच लिख सकते हो सिद्ध होया। तो यह जी तुहाडे वल्लों मोस्ट डिमांडेड थ्यूरम। आई होप तुहानू यह थ्यूरम समझ लग गई होगी। जेकर फिर भी तुहानू कोई डाउट है तो तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पुछ सकते हो, या फिर इस वीडियो नूं एक बार दोबारा तो प्ले करोगे तो तुहानू पूरी समझ लग जाएगी जी। बाकी जेकर तुहानू किसी होर सबजैक्ट नाल रिलेटड नोट्स चाहिए हैं तो सानू कमेंट करके जरूर दसो जी, असी उस टॉपिक नाल रिलेटड नोट्स तुहानू प्रोवाइड कर देवांगे। तो इस चैनल पर असी तुहानू पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के एग्जाम नाल रिलेटड सारिया अपडेट्स भी प्रोवाइड करांगे जी। तो ये सारिया अपडेट्स पाने चैनल सबसक्राइब जरूर कर लेना जी।